हेलो एंड वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। सो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की 3000 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या है पूरा डिटेल। चलिए देखते हैं कि करके क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, कितना आपका मार्क्स होना चाहिए, कितना आपको पे आउट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने दिनों का यह ट्रेनिंग होगा, इसको करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर में इसकी फ़ायदे हैं करने के, सारे कुछ आपको बताऊंगा। सो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कोई भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी कोर्स किया है, और उनका अगर 50% से ज़्यादा मार्क्स है, अगर जनरल ओबीसी से हैं, SC ST से हैं, तो 45% पे भी काम चल जाएगा। अगर इतना मार्क्स है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप इस अप्रेंटिस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। चलिए देखते हैं क्या है पूरा डिटेल और इसके बारे में जान लेते हैं। अप्रेंटिस क्या होता है? तो अप्रेंटिस एक प्रकार का ट्रेनिंग कोर्स होता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि बैंक में काम क्या होता है, बैंक इसको करने से भी आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलेंगे और सैलरी भी थोड़ी बहुत मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो अगेन किसी बैंक में किसी पोस्ट पे वैकेंसी निकलती है तो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा 10% 20%, और आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अप्लाई करते हैं, लाइक SOPO, कोई भी किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी निकलेगा उसमें आपको वरीयता दी जाएगी अगर आप ये कर लेते हैं तो। अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट की, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। टोटल पोस्ट 3000 हैं। 21/2/2024 से 6/3/2024 तक आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो है 10/3/2024 को। मतलब इसका एक एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तभी आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। आगे डिटेल देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3000 है, और ये अप्रेंटिस एक्ट के अंदर आपको कराया जाएगा। 1961 में एक अप्रेंटिस एक्ट बना था, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे कराया जाएगा। वैकेंसी की डिटेल आगे मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, ये कोई ख़ास नहीं, आपको इंडियन का सिटीजनशिप होना चाहिए, और भी कुछ लिखा हुआ है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपके मतलब का चीज़ नहीं है, जो आपके लिए मैटर करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका जो एज है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट है तो आपकी जो एज है वो 28 से 31 साल के बीच होनी चाहिए। जनरल के लिए 28 साल, और एज रिलैक्सेशन में मिलेगा अगर आप SC ST या OBC PWD हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए जनरल के लिए वो 28 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए। और आप डेट देख सकते हैं, कट ऑफ डेट 1/4/1996 से 31/3/2004 के बीच ही आपका जन्म होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। मैक्सिमम एज में कुछ कैटेगरीज में छूट भी मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसकी कंप्लीटेशन 31/3/2020 से पहले का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 31/3/2020 से पहले का अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो ही आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी अलग टाइप की एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। फिजिकल मेडिकल फिटनेस की भी यहाँ पे बात की जा रही है, आप मेडिकली फिट होने चाहिए तभी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। और अगर हम आगे की बात करें कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद ही आपका ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो कि टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव OMR पे नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा, जिसमें यहाँ पे रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव का सवाल पूछा जाएगा, बेसिक रिटेल, यहाँ पे जो भी बेसिक जानकारी होती है जो कि बाकी बैंक के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वहीं पूछा जाएगा। बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ETC के रिलेटेड, और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का प्रूफ भी आपको देना होगा। अगर आप 10th 12th में अगर आपने हिंदी पढ़ा है, जो भी जिस राज्य का लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपके 8th 10th या 12th में होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज उस स्टेट में आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से हैं, तो आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी आपका से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो 8th क्लास में 10th में या फिर 12th में, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अप्रेंटिस करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर कोई वैकेंसी आती है बाद में, जब आप ये कर लेते हैं अप्रेंटिस 6 महीने का, साल भर का ही होगा यहाँ पे, 12 मंथ का, तो जब आप कर लेते हैं
तब आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका उपयोग आप फर्दर कोई भी अगर जॉब निकलता है बैंक में तो वहाँ आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल ही है, एक आपको एग्ज़ाम पास करना है जो कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जो कि एक एक नंबर का जो सवाल होता है उसी तरह से होगा, चार चार ऑप्शन होंगे या उसी में से एक सेलेक्ट करना होता है, वो एकदम सिंपल आपसे सवाल किए जाएंगे। इसको पास करने के बाद आपको यहाँ पे सीधे सेलेक्ट कर लिया जाएगा और इसको करने के बाद आपको बैंक में जॉब में जो भी जॉब आएगा आगे अदर भी बैंक में उसमें आपको वरीयता दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रेंटिसशिप होता है, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि बैंक आपको प्रोवाइड कराएगा और आपको साइन करना होगा एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है, जो भी इनका पॉलिसी है उसके हिसाब से। पूरा जो डिटेल है आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो अगर आपको रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेज में मिलता है तो 15,000 आपको दिया जाएगा, अर्बन ब्रांचेज में मिलता है यानी छोटा मोटा शहर है वहाँ भी 15,000 ही दिया जाएगा, और मेट्रो ब्रांचेज में भी सिर्फ 15,000 ही आपको दिया जाएगा। मतलब आप कहीं भी यहाँ काम करते हैं तो आपको टोटल 15,000 रुपये ही केवल दिए जाएंगे। तो भी सही ही है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी गेन करने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इससे रिलेटेड अगर फर्दर कोई और इम्पोर्टेंट अपडेट आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।